नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से, जो कि नाम जिसका नाम है टेक माफिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो तीन पॉपुलर पिक एडिटिंग ऐप्स हैं, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, पिक्सार्ट है और लाइटरूम है और स्नैपसीड है, उसी तरह के कई और अच्छे अच्छे ऐप्स होते हैं पिक एडिटिंग के, तो आज मैं उन्हीं के आपके बारे में आपको बताऊँगा। तो आज मैं करूँगा स्टार्ट नंबर 3 से। तो नंबर 3 पर है पिक्सार्ट ऐप। नंबर 3 पर पिक्सार्ट ऐप को दिया गया है। पिक्सार्ट के बाद पिक्सार्ट से आप बेसिक एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको थंबनेल वमनेल बनानी है तो पिक्सार्ट से आराम से अच्छी एडिटिंग हो जाती है। कोई भी आप फोटो चूज़ करके अच्छी से अच्छी फोटो को चूज़ करके आप एडिटिंग एडिट कर सकते हैं इसको। और नंबर सेकंड पर आता है स्नैपसीड की बारी। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, स्नैपसीड काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे देता है, इसलिए स्नैपसीड फीचर्स के मामले में ज़्यादा अच्छा है। और उसमें काफ़ी सेलेक्टिव टूल भी हैं और हीलिंग भी है और ब्रश नाम का टूल भी है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं और कलर स्प्लैश एडिटिंग भी इससे हो जाती है आराम से। और फिर आता है आपका नंबर 4। नंबर 1 पे जैसा कि आपको उम्मीद होनी भी चाहिए कि लाइटरूम को ही रखा है मैंने। मेरे हिसाब से लाइटरूम काफ़ी अच्छा ऐप है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने उसको मौका और दिया था, क्योंकि लाइटरूम अच्छा है मेरे लिए, तो हमेशा अच्छा ऐप है लाइटरूम, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी एडिटिंग दे देता है और इसके कलर जो कॉम्बिनेशन हैं और ये सब हैं वो काफ़ी अच्छा एक लुक दे देते हैं फोटोज़ को। तो जो फोटोज़ रहती हैं और पिक्स रहती हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक में आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना इस वीडियो में कि टॉप 3 पिक एडिटिंग ऐप्स क्या हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए या iOS के लिए भी। iOS के बारे में मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एंड्रॉयड में ये 3 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं और काफ़ी ज़्यादा रन किए जाते हैं। तो आते रहिएगा हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास और वीडियो भी आती रहें। धन्यवाद।